नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले जो कैंपेन चलाया था उसकी वजह क्या थी वो तो आपको भी पता है कि मैंने एग्ज़ाम डेट के लिए कैंपेन चलाया था। हालांकि सपोर्ट नहीं मिला था, बहुत सारे लोग इस वजह से सपोर्ट नहीं कर पाए थे कि कह रहे थे कि जो ये तो अगस्त के 16 में आना ही है, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा या 21 से स्टार्ट होगा, तो जो इस तरीके का कैंपेन करने से क्या फ़ायदा। इस वजह से बहुत सारे लोग ने कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। आप देखेंगे कि जो जी न्यूज मीडिया है उसका आर्टिकल छपी हुई है, इसमें जो आपको एग्ज़ाम के बारे में, ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है उसके हम डेट के बारे में बात करें तो इसमें एक डेट दे रखी है जो कि आपके सोच से इतर है। ठीक है, कौन सा डेट है हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेस्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और 2 ईयर का मॉक टेस्ट पास, जो कि अगर आप 2 ईयर वाला ख़रीदते हैं तो ये 499 में मिलता है, लेकिन अगर 1 साल का खरीदते हैं तो 299 में मिलता है। इन दोनों में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बस ऐसे कि आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं इस तरीके का। 10% का डिस्काउंट मतलब यहाँ पे 50 रुपया और यहाँ पे 30 रुपया, कोई भी एक अगर ख़रीद लेते हैं तो आप इंडिया के तमाम जो तकरीबन 22,000 प्लस मॉक टेस्ट, 370 प्लस एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट आप इतना में लगा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे क्वांटिटी में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जितना कि कोई भी नहीं प्रोवाइड करता है, और ये इंडिया का लीडिंग मॉक टेस्ट प्रोवाइडर है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। बात कर रहे थे, ये जो आर्टिकल छपी हुई है जी न्यूज जो मीडिया है उसके जो आपके वेबसाइट है वहाँ पर ये वाला चीज़ें छपी हुई है। यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है, देखिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की तरफ से ग्रुप डी के 1 लाख से ज़्यादा पदों पे भर्तियां की जाएगी। इस भर्ती के आवेदन 2019 में लिए गए थे, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं आयोजित की जा सकी है। वहीं भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी लिखित परीक्षा को लेकर तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा सितंबर अक्टूबर में आयोजित की जा सकती है। आप समझ गए ना, मैं इसीलिए कैंपेन चलाया था कि इसका कोई लिमिट नहीं है। अभी सितंबर, इससे पहले आपका अगस्त चला था, बहुत सारे प्रिंट मीडिया हो या आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी जगह आपके अगस्त चला था। अब धीरे धीरे ये चीज़ें सितंबर चली गई, सितंबर से अक्टूबर चली गई, अब थोड़ा सा और डेट आगे बढ़ेगा तो फिर अक्टूबर से नवंबर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। आप किसी जो स्क्रीन शॉट पर विश्वास करके, आपको किसी ने शायद बोला होगा या किसी ने दिखाया होगा कि 16 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है, मैंने भी दिखाया है, लेकिन मैंने लास्ट में दिखाया है ताकि मैं आपको कंफर्म कर सकूं कि ये 16 अगस्त वाला जो आपका चीज़ें सर्कुलेट हो रही है वो वायरल चीज़ें मैं हमेशा लास्ट में ही दिखाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये गलत है। तो जब तक सब जगह से चीज़ें आ जाती है उसके बाद मैं फाइनली डिसाइड करता हूँ कि नहीं, इस पर अब वीडियो बनाई जाए। लेकिन हाँ, जो पेपर कटिंग है उस पर मैं पहले वीडियो बनाता हूँ, और जो वायरल चीज़ें हैं उस पर मैं लास्ट में इसीलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मुझे कहना रहता है कि चलो अपने जो फॉलोअर हैं उनको कहना रहता है कि ये गलत है। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये सितंबर अक्टूबर, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कब एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से जब आपके लिए मैंने कैंपेन रखा तो आप लोग में से बहुत सारे इस यही बात कहे थे कि जो आप एग्ज़ाम तो अगस्त में हो ही जाएगा तो आप क्यों चला रहे हो, फालतू का समय जाया कर रहे हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस बात को समझेंगे कि कोई भी चीज़ें सर्कुलेट होती है वो एकदम से 100% आप उसको फेक मान के ही चलो, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता इन्फॉर्मेशन RRB के वेबसाइट पे नहीं आया है। आप क्या सोचते हैं इस आर्टिकल के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।